हिमाचल प्रदेश तो वड्डी जानकारी निकल के सामने आई है। दसा जाता है कि नैशनल हाईवे 5 बंद हो चुका है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे प्रभावित होया है। देर रात सोलन दे विच बदल फटिया है, जिस कारण नैशनल हाईवे 5 यानी कि शिमला चंडीगढ़ हाईवे दे उत्ते वाहनों की आवाजाई लई रस्ता बंद हो चुका है। सारी रात बरसात हुंदी रही, जिस तों बाद चौंकी मोड़ दे कोल जमीन खिसकन कारण नैशनल हाईवे 5 दा परवाणू सोलन हिस्सा वाहनों की आवाजाई वास्ते बंद कर दिता है। वड्डे पद्धर ते रस्ता प्रभावित हुंदा होया विखाई दिता है। यह भी दसा जाता है कि जमीन खिसकन तो बाद प्रशासन ने नैशनल हाईवे ते वाहनों की आवाजाई दे उत्ते रोक लगाई है। अस्थाई तौर ते वाहनों की आवाजाई रोकी गई है। रस्ता जल्द खोल दिता जाएगा। दसा जा रहा है कि जमीन खिसकन तो बाद जिले दी कई सड़क प्रभावित हुई ने ते कुछ गड्डिया ने जो सड़कों के हेठ दब गई ने, जिस कारण आवाजाई ठप हो चुकी है। दूजे पास सोलन पुलिस जनता नूं बार बार अपील कर रही है कि चौकी मोड़ के कोल नैशनल हाईवे जमीन खिसकन के कारण बंद है, उधर गड्डिया ना लैके जाइया जाए, कोई होर रस्ता खोलन की कोशिश की जाएगी, पर फिलहाल कई रस्ते बंद दसे जा रहे हैं। पुलिस की बार बार यह भी अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों के उत्ते अपन गड्डिया लैके जाओ। दूजे पास जानकारी मिली है कि इन्नी तेज़ बरसात हो रही थी, जिस कारण सोलन के मुड़ बदल फटिया है। सड़कों के हेठ गड्डिया दबिया गई, घर कंधा के भी पानी रिसन लगा, जिस दिन तस्वीर भी सामने आई ने। तो लगातार हिमाचल प्रदेश के स्थिति खराब होंगी हुई विखाई दे रही है। बदल फटन भारी मीह के चलद हो कई रस्ते बंद हो चुके हैं, जमीन खिसक चुकी है, लोगों के घर के पानी रिसना शुरू हो गया है, घर कंधा पानी छड़न लगियां ने। अजिहियां खौफनाक तस्वीरां सामने आ रही ने, लोगों नूं अपील बार बार प्रशासन के वलों की जा रही है कि अपना खास तौर पर ध्यान रखा जाए, लोड़ पैण ते घरों बाहर निकलिया जाए, लोगों नूं सुरक्षित थावां ते भी पहुँचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।